point. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बॉलीवुड शॉर्ट्स में। आज मैं एक अमेरिकी वेब सीरीज लव डेथ एंड रोबोट का एक एपिसोड आइस एज दिखाऊंगा। एक युवा जोड़ा अभी अभी अपने बिल्कुल नए अपार्टमेंट में आया है। पति जिसका नाम रॉब है घर में अपने सामान के डिब्बे लाता है, जबकि उसकी पत्नी गेल रसोई में बर्तन रखती है। गेल एक पुराने फ्रिज से परेशान है जिसे मकान मालिक ने अपार्टमेंट में रखा था। वे इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं, लेकिन रसोई में यह अच्छा नहीं लगता है। रॉब समझाने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि पुराने फ्रिज में ऐसी तकनीक है जो नई में नहीं है, जैसे कि इसके ऊपर बड़ी मोटर है। गेल व्यंग्यात्मक रूप से कहती है कि यह पागलपन है। वो अपनी पति की चालाकी का मजाक उड़ा रही है। थक कर सभी बक्से ले जाने के बाद वो सुझाती है कि वह कुछ वाइन पिए। रॉब पुराने फ्रिज को खोलता है यह देखने के लिए कि उसमें कुछ बर्फ है या नहीं। आश्चर्यचकित होकर वह देखता है कि बर्फ के मोटे टुकड़े फ्रीजर से ढके हुए हैं। वह एक क्यूब निकालकर उसे अपनी वाइन में डालता है। वे बैठ जाते हैं और अपने नए घर का चीयर्स करते हैं। एक घूंट लेने के बाद रॉब को बर्फ में एक अजीब सी संरचना दिखाई देती है। जब रॉब को पता चलता है कि वह क्या है, तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह क्यूब गेल को देता है, उससे यह पुष्टि करने के लिए कहता है कि इसमें कुछ है। वह एक मैग्नीफाइंग ग्लास लाती है और दोनों उसमें देखते हैं कि एक क्यूब के अंदर एक नन्ना मैमथ जमा हुआ है। दोनों दुविधा में हैं और हैरान हैं। उन्होंने देखा कि छोटे जीव का शिकार किया गया था क्योंकि उसके किनारे पर भाले हैं। दुविधा में गेल वापस फ्रीजर में जाती है और बर्फ के टुकड़ों को हटाती है और अंत में एक छोटी असली की मध्ययुगीन सभ्यता को देखती है। फ्रीजर के अंदर समय तेजी से चलता हुआ लगता है क्योंकि लोग अपने सामान्य दिन को सैकड़ों में पूरा कर लेते हैं। दंपति मोहित हैं और चकित हैं कि यह कैसे संभव हो सकता है। अंदर के लोग उन्हें देखने वाले विशाल लोगों की परवाह नहीं करते। कुछ समय बाद रॉब मैमथ के छोटे शरीर को अपने घर के पौधे के नीचे दबा देता है। गेल उसका मजाक उड़ाती है और फिर से फ्रीजर जाके खोलती है तो देखती है कि मिडेवल समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बदल चुका है। जबकि वह कुछ मिनटों के लिए दूर थे, फ्रीजर में दशकों बीत गए। वह देखते हैं कि लोग सैकड़ों में ऊंची इमारतें और घर बनाते हैं। रॉब दुखी है क्योंकि वह पुनर्जागरण काल यानी 14वीं और 17वीं सदी के बीच का समय नहीं देख पाया और आश्चर्यचकित होता है कि क्या फ्रीजर के अंदर के लोग सोचते होंगे कि वे भगवान हैं। तभी फ्रीजर के अंदर से दो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स दो बेवकूफों की शिकायत करते हैं जो उन्हें हर दिन देखते हैं और कहते हैं कि वे गेल के दांतों पर ब्रोकली देखकर थक गए हैं। कुछ ही समय में औद्योगिक युग आधुनिक युग में बदल जाता है और बड़े पैमाने पर गगनचुंबी इमारतें बन जाती हैं। छोटी वस्तुएं इमारतों के ऊपर से उड़ती हैं। दोनों मोहित होकर देखते हैं, समय वर्तमान में बदलता है। रॉब स्टारबक्स की इमारत को देख के हंसता है, छोटी दुनिया से समानता बनाने की कोशिश करता है। वह एक बेहतर नजारा पाने के लिए करीब जाता है जब अचानक छोटे शहर पर एक विशाल चमकीली मिसाइल लॉन्च होती है। आश्चर्यचकित रॉब रसोई के फर्श पर जैसे ही गिरता है, वैसे ही गेल उसकी मदद करने की कोशिश करती है। फ्रीजर के अंदर के लोग एक युद्ध कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया है। दंपति मानवता के कठोर भविष्य पर एक नजर डालते हैं लेकिन परवाह नहीं करते हैं। गेल ने यह दावा करते हुए रेफ्रिजरेटर बंद कर दिया कि कुछ मिनटों में युद्ध नहीं बढ़ सकते, इसलिए उन्हें बाद में वापस आना चाहिए। दोनों एक पिज्जा ऑर्डर करते हैं और इसका आनंद लेते हैं, अपने फ्रीजर के अंदर हो रहे परमाणु युद्ध को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। रॉब सुझाव देता है कि वह देखें कि अंदर क्या चल रहा है। ऐसा लगता है कि दंपति फ्रीजर को खोलने से डरते हैं कि वो मनुष्य को विलुप्त होते हुए देखेंगे। हालांकि जब वह इसे खोलते हैं तो उन्हें अंततः सुखद आश्चर्य होता है। युद्ध समाप्त हो चुका है और मानव जाति इससे उभर चुकी है। वह उड़ने वाले कारों को भी नोटिस करते हैं और छोटे भविष्य की जगह की तुलना संपन्न शहर से करते हैं। मनुष्य पहले से कहीं अधिक उन्नत है। अत्याधुनिक दुनिया में कई गगनचुंबी इमारतों को शुरुआत में पुलों से जुड़ी गई हैं, लेकिन तभी एक विलक्षण पिरामिड जैसी संरचना छा जाती है। वे मानते हैं कि अब हर कोई पिरामिड के अंदर रहता है। जब पिरामिड सामने आता है तो वह अंदर हीरे के आकार की संरचना को प्रकट करता है। संरचना पूरे शहर को निगल जाता है और जल्दी बीच में ऊर्जा का एक क्षेत्र बनता है। यह अंत में फट जाता है जिससे दंपति की रसोई में उड़ने वाली ऊर्जा की चिंगारी निकलती है। वह मुग्ध होकर देखते हैं क्योंकि चिंगारियां जुगनू की तरह कमरे के चारों ओर उछलती हैं। उनका मानना है कि मनुष्य ने ब्रह्मांड के हर रहस्य को खोल दिया है और अब वह अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं जो उनकी उम्मीदों से परे है। फिर प्रकाश की चिंगारी फिर से गोले में परिवर्तित हो जाती है
और फ्रीजर में ट्रांसफर हो जाती है, जिसे दंपति मानते हैं कि यही उनका असली घर है। वह गोला गायब हो जाता है, संभवतः दुनिया के अंत का संकेत देता है। दंपति खाली फ्रीजर को असमंजस में देखता है। रॉब आश्चर्य करता है कि क्या वे वापस आ रहे हैं, लेकिन गेल का दावा है कि इसकी संभावना नहीं है। रॉब अंततः रेफ्रिजरेटर को अनप्लग कर देता है और दंपति गले लगते हैं कि उन्होंने अतीत, वर्तमान और पिछले कुछ घंटों में मानवता के भविष्य का साक्ष्य किया। अब अगली सुबह है, दोनों उठते हैं और अपनी सुबह की दिनचर्या को जारी रखते हैं। हालांकि पिछले शाम का ख्याल उनके दिमाग से नहीं गया है। वे ये जांचने के लिए आखिरी बार फ्रीजर खोलने का फैसला करते हैं कि क्या वास्तव में सब कुछ खत्म हो गया है। उनको अत्यंत आश्चर्य होता है कि डायनासोर का युग वापस आ गया है। कई छोटे वानर एक मरे हुए डायनासोर का मांस खाते हैं। वे भाग जाते हैं क्योंकि एक और डायनासोर उन पर हमला करता है। एपिसोड समाप्त होता है। दंपति छोटे जीवों को देखना जारी रखता है उनके प्राकृतिक आवास में। लव, डेथ एंड रोबोट का यह एपिसोड विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसमें मानव जाति के सृजन, विकास और अंत की कथा को सूक्ष्मता में दिखाया गया है। यह परिकल्पना दोनों समय और आयाम को जादुई रेफ्रिजरेटर के द्वारा चुनौती दी है। फ्रीजर को एक प्राकृतिक घटना कहना ही सही है, क्योंकि यह कैसे अस्तित्व में आया है यह फिल्म में कभी नहीं समझाया गया है। कुछ फैंस का मानना है कि फ्रिज पिछले मालिकों का था, जो इंसानियत की किस्मत को बार बार देखते देखते थक गए थे, इसलिए चलने से पहले उन्होंने इसे घर में ही छोड़ दिया। फिल्म हमें भविष्य के लिए आशा भी प्रदान करती है, क्योंकि फ्रीजर के अंदर की दुनिया सबसे विनाशकारी युद्ध के बाद फिर से बस गई, जिसे मानव जाति ने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन रॉब और गेल को पिज्जा ऑर्डर करके और आनंद से खाते जब छोटी दुनिया युद्ध में थी, हम लोगों की लापरवाही और उनकी गैर जिम्मेदारी की भावना दुनिया की समस्याओं के प्रति को देखते हैं। इस शॉर्ट फिल्म में हम मानवता का एक संभावित भविष्य देख सकते हैं, जो इसके विलुप्त होने पर भी समाप्त नहीं होता है। आइस एज हमें मनुष्य की ब्रह्मांड का पता लगाने की और उसके साथ एक बनने की संभावना बताता है। ऊर्जा की जो गेंद पिरामिड जैसे टावर में बनी, ऐसी तकनीक की संभावना है जो उन्हें वास्तविकता से बचाने का रास्ता देती है। हमारे अस्तित्व के बारे में हर समय खोजने के बाद ऊर्जा की गेंद हवा में गायब हो गई। यह दर्शाता है कि मनुष्य किसी दूसरे डायमेंशन में चले गए हैं और एक उच्च प्राणी में बदल गए हैं। इस तरह के वीडियो को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।